मिर्जापुर के लालगंज थाना क्षेत्र के वामी में घर से लापता 3 बच्चों की मौत मामले में पोस्टमार्टम रिपोर्ट में चोट के आधार पर पुलिस ने अब लालगंज थाने में हत्या का मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। वही घटनास्थल पर एडीजी जोन वाराणसी ब्रजभूषण पहुंचे। उन्होंने जिस बंधे में बच्चों का शव मिला था वहां का निरीक्षण किया, परिजनों से और स्थानीय लोगों से पूछताछ की, जिसमें पता चला कि बच्चों का शव बंधे में मिला था मगर उनके कपड़े किनारे पाए गए थे। हत्यारे बड़ी ही बारीकी से हत्या को डूबने से मौत साबित करना चाहते थे। पूछताछ के बाद एडीजी जोन ने इस दौरान मीडिया से बात करते हुए कहा कि इस मामले में हत्या का मुकदमा दर्ज कर एक एसटीआई की टीम अपर पुलिस अधीक्षक नक्सल अजय सिंह विष्ट के नेतृत्व में बनाई जा रही है, जो घटना का खुलासा जल्द ही करेगी। वहीं बच्चों की हत्या कर आग निकाले जाने के परिजनों के आरोप पर एडीजी ने पोस्टमार्टम रिपोर्ट में आग के पास चोट है। वहीं परिजनों का कहना है कि घर पर आई बारात के बाद बच्चे 1 दिसंबर 2020 को घर से निकले, दूसरे दिन उनका शव मिला है। शव को देखकर लग रहा था कि आग निकाली गई है। बता दे कि वामी गांव के रहने वाले एक ही परिवार के 14 वर्षीय हरिओम, सुधांशु और शिवम तीनों बच्चे 1 दिसंबर 2020 को घर पर आई बारात विदा होने के बाद पास ही के कुशियारा जंगल में बेर खाने के लिए दोपहर में निकले थे। वापस घर नहीं लौटने पर परिजनों ने 2 दिसंबर को दोपहर लालगंज थाने में गुमशुदगी का मुकदमा दर्ज किया। इसी दिन शाम को ग्राम कामापुर लोहरिया बंदा से तीनों का शव मिला था। देखिए, जैसा आप जानते हैं, ये बच्चे 3 बच्चे हैं, एक ही परिवार के बच्चे हैं, कजिन हैं आपस में। ये परसों दोपहर घर से निकले थे, ये नहीं पहुंचे, इनकी खोजबीन शुरू की गई। कल शाम को इनकी तीनों की डेड बॉडी सामने जो आपको बंदी तकलीफ में मिली, कपड़े इनके बाहर पड़े मेरे रखे मिले थे। तीनों को पोस्टमार्टम कराया गया है, कुछ चोटें उनके हैं। जहाँ में मुकदमा कायम किया जा रहा है और कायम करके मेरे द्वारा एक SIT बनाई गई है। इस केस के खुलासे के लिए मैंने SIT का गठन किया है। वो SIT का जो अधिकारी प्रभारी होंगे उसके अधिकारी हैं, 2 डिप्टी SP लगाए गए हैं साथ में, उसमें 2 इंस्पेक्टर हैं प्लस पार्किंग प्रभारी हैं और बाकी अधिकारी तो सपोर्ट करेंगे। ये डेडिकेटेड टीम ने SIT बनाई है, कुछ चीज़ों को हमने समझा है, देखा है और मेरा विश्वास है कि हम बहुत जल्दी ही इस पूरा केस का खुलासा करेंगे। देखिए, पोस्टमार्टम रिपोर्ट में चोटें हैं, आँख के पास चोटें हैं। देखिए, डेडलाइन नहीं होती है, अर्लीस्ट बच्चे को जब हम यहाँ पर आए तो यहाँ पर प्रशासन ही पहुँची थी, बहुत लोग भी पहुँचे थे। अब डेड बॉडी निकाल के पानी से बाहर रखा गया था। परसों जो है हमारे घर नर्सों बारात आई थी, हमारे चचा की लड़की की शादी था, शादी हो गया और बारात की विदाई हो गई। इसके बाद जो है सब लोग, हम लोग भी रात में जगे थे, सो गए और हमको नहीं पता था कि कब बच्चे निकले, हमको नहीं पता। ये तो बाद में मतलब लोगों ने बताया कि 11 बजे निकले थे घर के, कोई बच्चे बच्चे के माध्यम से पता हुआ ऐसा। हाँ, लग रहा था हमको यहाँ पर, मतलब लग रहा था कि आंखें निकल गई है, देखने पर लग रहा था कि आंखें निकली गई है। चाकू को भोका हुआ था, आँख घुसी हुई थी, ब्लड सब पूरा फेंका हुआ था, ऐसा तो नहीं है हमारी जानकारी में। तो कह रहे हैं कि जल्दी से जल्दी खुलासा होगा, मुलजिम को मतलब खुलासा करें, जल्दी जल्दी उसको पकड़ेंगे आपको। हाँ, किसी ने मतलब मारा है उसको, पानी में तो मरे नहीं है, तो हमको लग रहा है कोई जो है ऐसे करके ले आके पानी में डाल दिया है। आश्वासन दिए कि आपको न्याय मिलेगा, घबराइए जी, हम लगे हैं। उसमें मेनली 2 डॉक्टरों का आख्या आया था और उन्होंने परीक्षण करके अपनी आख्या दी थी और डॉक्टरों से मेरी पर्सनल मुलाकातों के बाद भी हुई, तो उन्होंने बताया कि उनके सभी तीनों बच्चों के आँख के आसपास घाव के निशान पाए गए और ऐसा लगता है कि वो घाव किसी रफ नुकीले चीज़ से, नुकीले हथियार से प्रहार करके किया गया है, जिसका असर ब्रेन तक लग रहा है क्योंकि ब्रेन में भी कुछ ब्लड क्लाट और ब्लड के असर पाए गए। नहीं, आँख निकालने की बात, ये आँख तो सही था, आँख नहीं निकाला गया। अब जिस तरह के घाव के निशान पाए गए हैं, लग रहा है कि किसी ने प्रहार किया होगा, बच्चे मूर्छित हुए होंगे, फिर उनको हो सकता है गंगा जी में फेंक दिया गया हो। सारे बच्चों के चेहरे पर ही निशान पाए गए हैं, केवल एक बच्चा है जो कि चेहरे के साथ साथ उसके सीने की हड्डी भी टूटी हुई, तो उस पर लग रहा है कि किसी तरह से उसके सीने पर भी प्रहार किया गया है। नहीं, पोस्टमार्टम रिपोर्ट में ऐसा ड्राउनिंग का तो कुछ नहीं बताया गया। कारण जो है मेनली जो हेमरेज हुआ, उसका रक्त स्राव हुआ, जो मेन कारण वही है और उसके नाते, रक्त स्राव के नाते जो बच्चे जो साथ में चले गए मूर्छित हुए और वही कारण हो सकता है जो बाद में डेथ। आंखें तो पाई गई, आंखें नहीं निकली। डॉक्टर से मैंने विशेष पूछा कि आंखों की क्या स्थिति थी, क्योंकि कई तरह से सोचने आए हैं कि आंख निकाल लिया, ऐसा आंखें अपनी जगह पर थी। हाँ, आंख के चारों तरफ चोटें पाई गई।